अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथोनी अल्बानिज ने 25 अक्टूबर 2023 को व्हाइट हाउस में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान इसराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के संदर्भ में भी बात की गई। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुख्य अमेरिकी संवाददाता ललित के झा ने इस कॉन्फ्रेंस के बाद खबर दी कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ने इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर की घोषणा को हमास हमले का संभावित कारण बताया है। कई मुख्य धारा के मीडिया संगठनों ने भी पीटीआई के हवाले से यही खबर चलाई। इस लिस्ट में डेक्कन हेराल्ड, मनी कंट्रोल, द इकोनॉमिक टाइम्स, द टेलीग्राफ, द टाइम्स ऑफ इंडिया और द वीक शामिल है। CNN News 18 के रिपोर्टर सिद्धांत मिश्रा ने जो बाइडेन के हवाले से ये ट्वीट किया कि हमास द्वारा इसराइल पर आतंकवादी हमले का एक कारण ये है कि नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान महत्वाकांक्षी इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। ANI द्वारा यही दावा पब्लिश किए जाने के बाद और भी कई मीडिया आउटलेट्स जैसे NDTV, आज तक, भास्कर ने आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं। ऑल्ट न्यूज़ ने 25 अक्टूबर को व्हाइट हाउस में दिया गया जो बाइडेन का पूरा भाषण सुना। हमने पाया कि स्पीच में इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का कोई जिक्र नहीं है। व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर भी स्पीच के ट्रांसक्रिप्ट में इसराइल हमास संघर्ष से जोड़कर G20 या इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का कोई जिक्र नहीं है। ऑल्ट न्यूज़ ने 26 अक्टूबर की इस प्रेस रिलीज की ट्रांसक्रिप्ट भी चेक की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस सेक्रेटरी कैरिन जिनपियरे, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर लेल ब्रेनार्ड और रणनीतिक संचार के NSC कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी ने की थी। इस दौरान ललित झा ने सवाल पूछा था कि राष्ट्रपति ने ऐसा क्यों माना कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में घोषित इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के कारण इसराइल के खिलाफ हमास का आतंकवादी हमला हो सकता है। इस सवाल को बीच में काटते हुए जॉन किर्बी ने कहा कि शायद आपने इसे गलत समझा है। असल में प्रेसिडेंट ने कहा कि उनका मानना था कि जिस समझौते और सामान्यीकरण की प्रक्रिया पर हम इसराइल और सऊदी अरब के बीच सामान्यीकरण के लिए पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बारे में हमारा मानना है कि ये दो राज्य समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, इसने ही हमास को उन हमलों को अंजाम देने के लिए प्रेरित किया होगा। मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने वास्तव में जो कहा था आपने उसे गलत समझा। ललित झा ने कॉन्फ्रेंस में सवाल करते हुए जिक्र किया था कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने हफ्ते में दो बार इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को हमास के लिए हमले का कारण बताया। इसे ध्यान में रखते हुए हमने जो बाइडेन के उस हफ्ते किए गए भाषणों को चेक किया। 20 अक्टूबर को अमेरिकी प्रेसिडेंट ने इसराइल पर हमास के आतंकवादी हमलों और यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध के बारे में कमेंट किया था। हालांकि पूरा कॉन्टेक्स्ट जानने पर हमें मालूम हुआ कि उन्होंने हमास के हमलों का कारण इकोनॉमिक कॉरिडोर को नहीं बताया था। असल में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा था, अगर हम पुतिन को यूक्रेन की स्वतंत्रता को मिटाने देते हैं तो दुनिया भर के भावी आक्रमकों को भी ऐसा ही प्रयास करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। संघर्ष और अराजकता का खतरा दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल सकता है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, विशेषकर मिडल ईस्ट में। ईरान यूक्रेन में रूस का समर्थन कर रहा है और ये क्षेत्र हमास और अन्य आतंकवादी समूहों का समर्थन कर रहा है और हम उन्हें जवाबदेह ठहराना जारी रखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका और पूरे क्षेत्र में हमारे पार्टनर्स मिडल ईस्ट के लिए बेहतर भविष्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जहां मिडल ईस्ट अधिक स्थिर हो और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप रेल कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स, जिसकी घोषणा मैंने इस साल दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के शिखर सम्मेलन में की थी, उसके माध्यम से अपने पड़ोसियों से बेहतर तरीके से जुड़ा हो। अधिक पूर्वानुमानित बाजार, अधिक रोजगार, कम रोष, कम शिकायतें, जुड़े होने पर युद्ध में कमी, इससे लोगों को फायदा होगा, इससे मिडल ईस्ट के लोगों को फायदा होगा और इससे हमें फायदा होगा। यानी अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहीं पर भी इसराइल पर हमास के आतंकवादी हमले के लिए इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा को जिम्मेदार नहीं ठहराया था, लेकिन मेनस्ट्रीम मीडिया चैनल्स ने बिना बात की तह तक जाए फर्जी खबर चला दी।